धरती अम्बे दसों दिशाएं शिव विवाह की कथा सुनाए। धरती अंबर दसों दिशाएं शिव विवाह की कथा सुनाए। वन मधुवन ये वृक्ष लताएं शिव विवाह की कथा सुनाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, यूं तो आपने अब तक ना जाने कितने देवी देवताओं के विवाह की कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको भगवान शिव के एक नहीं दो दो विवाहों की पावन कथाएं सुनाने जा रहा हूं। भगवान भूतनाथ भोलेश्वर, जिनके भोला भंडारी, बागंभरधारी भूतेश्वर, विश्वेश्वर और चंद्रशेखर जैसे कितने ही नाम और रूप हैं, स्वयं से उत्पन्न स्वयंभू बाबा भोलेनाथ के विवाह की दो प्यारी और न्यारी कथाएं मन में भगवान शिव का ध्यान लगाकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम से सुनिए। एक समय की बात है, ब्रह्मा रचते थे जब ये सृष्टि, उनकी भौह से पैदा हुई तब संध्या नाम की एक युवती। तभी अचानक उनके सन्मुख सुंदर युवक एक प्रकट हुआ, झुककर उसने ब्रह्मा जी को श्रद्धा से प्रणाम किया। बोला सृष्टि कर्ता से मुझको मेरा काम बताए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, युगों पुरानी बात है, जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे थे, उसी समय अचानक उनकी भौं के बीच से संध्या नाम की एक युवती उत्पन्न हुई, जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उसी समय एक रूपवान युवक वहां प्रकट हुआ। उसके हाथ में 5 पुष्प बाण थे। उस युवक ने ब्रह्मा जी को पिताश्री कहकर संबोधित किया और कहा कि पिताश्री, मुझे किसी कार्य में लगाइए। तब ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा उत्पन्न उस युवक को कामदेव नाम देते हुए ये कार्य सौंपा कि तुम सृष्टि के प्राणियों में मद, प्रेम और काम की भावना जगाकर सबको अपने वश में रखोगे। ब्रह्मा के निकट बैठे कुछ ऋषियों ने भी कामदेव को आशीर्वाद दिया और हाथ में लिए उसके 5 पुष्प बाणों में दिव्य शक्तियां भर दी। और भक्तों, तभी एक अनहोनी घटना घटित हो गई। कामदेव ने परीक्षा हेतु अपने काम बाणों को उन ऋषियों पर ही चला दिया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी समेत सभी ऋषि काम के वश में आ गए और कामुक दृष्टि से संध्या नामक उस सुंदर युवती को देखने लगे। दूसरी ओर थी संध्या लज्जित, ये कैसे अनहोनी हुई। ऋषियों के संग ब्रह्म पिता की मुझ पे कामुक दृष्टि पड़ी। मुनि वशिष्ठ की आज्ञा पाके उसने तप प्रारंभ किया। तप
उसका फलीभूत हुआ और शिव ने उसको दर्श दिया। संध्या बोली संग मेरे क्यों हुआ अनर्थ बताए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। भक्तों, संध्या के प्रश्न करने पर भगवान शिव ने उत्तर दिया कि कामदेव ने अपने काम बाणों की परीक्षा लेने के विचार से अपने उन काम बाणों का प्रयोग ऋषि मुनियों समेत ब्रह्मा जी पर भी कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन ऋषि मुनियों समेत ब्रह्मा जी ने भी तुम पर कामुक दृष्टि डाली है। परंतु संध्या, तुम इसकी चिंता न करो, समय आने पर मैं स्वयं ब्रह्मा जी को उनके इस कुकृत्य का उचित दंड दूंगा। फिर उसे उद्धार का मार्ग बताते हुए कहा कि इसी पर्वत के नीचे मेघा ऋषि एक यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहां पहुंचकर स्वयं को यज्ञ अग्नि को समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम उनकी कन्या के रूप में जन्म लोगी। फिर जब तुम हिमालय पर कठोर तप करोगी तो त्रेता युग के प्रथम भाग में राजा दक्ष की कन्या बनकर योग्य वर को प्राप्त करोगी। शिव जी के कहे अनुसार संध्या मेघा ऋषि के आश्रम पहुंची और यज्ञ से निकलने वाली लपटों में कूद पड़ी। अग्नि ने उसे जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश करवा दिया, जहां सूर्य ने स्वयं उसे अपने रथ पर स्थान दिया, जिससे संध्या का ऊपरी भाग रात्रि बना और नीचे व मध्य का भाग सुबह और शाम की लाली बना। फिर एक निश्चित समय पर मेघा ऋषि का यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ समाप्ति पर मेघा को हवन कुंड से कन्या मिली। कौन है, किसकी पुत्री है ये, मन में एक जिज्ञासा जगी। फिर शिव का प्रसाद समझ के अरुंधति का नाम रखा। पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उसका कन्या दान दिया। मेघा ऋषि संग आओ हम सब शिव की अलख जगाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। भक्तों, ब्रह्मा जी की भौं से उत्पन्न संध्या नाम की युवती को तो भगवान शिव के बताए अनुसार परम गति प्राप्त हुई, परंतु ब्रह्मा जी ने अपने ही पुत्री पर कामुक दृष्टि डालकर जो परम अपराध किया था उसे देवाधिदेव महादेव भुला न सके, और इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को कटु शब्द कहकर इतना लज्जित और अपमानित किया कि ब्रह्मा जी उसका कोई उत्तर नहीं ढूंढ पाए। भक्तों, भगवान शंकर तो अपना कर्तव्य निभाकर चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी अपने इस अपमान को वर्षों तक नहीं भुला पाए। प्रभु आशुतोष से इस बात का प्रतिशोध लेने की भावना का विष उनकी श्वासों में घुलता रहा और उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक शिव जी को इस काम के वश में करवा के उनसे कोई स्त्री ग्रहण नहीं करवा लेता, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। तब अपने इस निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए ब्रह्मा जी कामदेव से मिले। कामदेव, तुम पुत्र हो मेरे, अपने पिता की आज्ञा सुनो। काम मुक्त है शिव का तन मन,
उसमें काम का जाल बुनो, साथ रति को लेकर जाओ, प्रेम की ऐसी क्रीड़ा करो। उनके हर एक क्रियाकलाप में ऐसा तुम उन्माद भरो, ब्रह्मचर्य के मद को खोके काम के वश हो जाए। गंगा धराय शिव गंगा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा धराय शिव गंगा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो भक्तों, ब्रह्मा जी के कहे अनुसार रति को साथ लेकर कामदेव शिव के पास पहुंचे और तरह तरह की प्रेम क्रीड़ाएं करते हुए शिव जी को मोहित करने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने बहुत प्रयास किया परंतु अपने लक्ष्य में सफल न हो सका। यह जानकर ब्रह्मा जी को घनघोर निराशा हुई। तब विष्णु जी स्वयं ब्रह्मा जी से बोले, भगवान शिव के प्रति इस तरह की ईर्ष्या रखना सर्वथा अनुचित है। यदि आप उन्हें स्त्री ग्रहण करवाना ही चाहते हैं तो आपको आदि शक्ति को प्रसन्न करना होगा। सर्वगुण संपन्न आदि शक्ति अवतार लेकर राजा दक्ष की कन्या बनेगी, जिन्हें शिव जी अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। आप राजा दक्ष से भी तप करने के लिए कहें, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति कन्या रूप में अवतरित होकर उनके घर में जन्म ले सके। तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति की आराधना की। प्रसन्न होकर देवी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने देवी से कहा कि हे देवी, आप आदि शक्ति सनातन देवी हैं और अपनी शक्ति से सृष्टि का संचालन करती हैं। मैं चाहता हूं कि आप कन्या रूप में अवतरित होकर राजा दक्ष के घर में जन्म लें और शिव जी को मोहित करके उनकी अर्धांगिनी बने। उधर राजा दक्ष भी आपको कन्या रूप में पाने हेतु कठिन तप कर रहा है। और फिर भक्तों, राजा दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उन्हें दर्शन देते हुए आशीर्वाद दिया कि मैं कन्या रूप में अवतरित होकर आपके घर में पुत्री रूप में जन्म लूंगी, परंतु तुम्हारे द्वारा कभी भी मेरा अपमान हुआ तो मैं उसी समय देह त्याग दूंगी। इतना कहकर आदि शक्ति अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष प्रजापति को तप करते समय अनंत जो बीत गया, उसके घर में उमा ने फिर कन्या के रूप में जन्म लिया। दक्ष के महल में पलते हुए वो उम्र की सीढ़ी चढ़ने लगी। पति रूप में शिव को पाने शिव का जप तप करने लगी। आती जाती श्वासें उसकी शिव शिव कहती जाए। जटा धराय शिव जटा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटा धराय शिव जटा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्त जनों, दक्ष कन्या सती को जब शिव की आराधना करते हुए कई कई वर्ष बीत गए तो उसने शिव को पाने हेतु विधि विधान से नंदा व्रत रखा। उधर ब्रह्मा जी विष्णु जी के साथ कैलाश पहुंचकर भगवान शिव से कह रहे थे, हे देवाधिदेव, हम दोनों तो विवाहित हैं ही, अब आप भी लोक हित में प्रजापति दक्ष की कन्या सती से विवाह कर लीजिए। और तब भक्तों, भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहा, मुझे आप दोनों का प्रस्ताव स्वीकार है। आप
प्रजापति दक्ष से कहकर विवाह की तैयारियां करवाएं। शिव आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु दक्ष के महलों में आए, शुभ संदेश सुना जो शिव का दक्ष प्रजापति हर्षाए। दूल्हे बन कर भोले शंकर नंदी बैल सवार हुए, भूत अवधूत है बने बराती, भूत पिशाच है साथ चले। पुरवा ने छेड़ी शहनाई मेघ भी ढोल बजाए। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। तो भक्तों इस तरह एक शुभ दिन शुभ मुहूर्त में दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी वीरनी के साथ मिलकर अपनी कन्या सती का कन्यादान किया। सती और शिव का शुभ विवाह संपन्न हो गया। तीनों लोकों में खुशियां व्याप्त हो गईं। कण कण जैसे मंगल गान गाने लगा था। पूरा वातावरण शिवमय होकर आनंदित हो उठा था। उसके उपरांत सती के साथ शिव कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। साथ सती के तीनों लोक में शिव जी विचरण करते थे। करते करते भ्रमण वो एक दिन दंडक वन में आ पहुंचे। मानस रूप में राम लखन को शिव शंभु ने देख लिया। दूर से फिर भी शीश झुका के राघव को प्रणाम किया। देख के ये सब सती के मुख पे प्रश्नों के चिन्ह आए। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। भक्त जनों सती ने जब एक साधारण से मनुष्य को शिव जी को प्रणाम करते हुए देखा तो उनसे पूछने लगी कि हे प्रभु, आपने इस श्याम वर्ण वाले साधारण से मनुष्य को प्रणाम क्यों किया? इस पर भोलेनाथ बोले, देवी जिसे तुम साधारण मनुष्य समझ रही हो वो वास्तव में स्वयं विष्णु अवतारी प्रभु श्री राम हैं, जो मेरे आराध्य भी हैं। और अपने आराध्य को प्रणाम करना कोई गलत बात तो नहीं। भोलेनाथ के इतना कहने पर भी सती को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने भगवान श्री राम की परीक्षा हेतु अपना स्वरूप सीता की तरह बनाया और राम के आसपास विचरण करने लगी। उन्हें देखकर श्री राम ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे माता महेश्वरी, आप अकेले इस निर्जन वन में क्यों विचरण कर रही हैं और भगवान भोलेनाथ सदाशिव कहां हैं? ये सुनकर सती बहुत लज्जित हुई और समझ गई कि ये सचमुच श्री हरि विष्णु अवतारी राम ही हैं। तब भी उन्होंने अपने मन की जिज्ञासा श्री राम से कही और पूछने लगी कि सदाशिव भोलेनाथ ने आपको प्रणाम क्यों किया? इस पर श्री राम बोले कि माता, भोलेनाथ वचनों से बंधे हुए हैं। मेरा राज्याभिषेक वैकुंठ लोक में करते हुए उन्होंने मुझसे ये वचन दिया था कि आज से सभी देवी देवता तुम्हें प्रणाम करेंगे, इसलिए आज
उन्होंने स्वयं भी मुझे प्रणाम किया है। फिर प्रयाग में हो एकत्रित मुनियों ने एक यज्ञ रचा, ब्रह्मा विष्णु शिव संग उसमें दक्ष ने भी था भाग लिया। दक्ष प्रजापति का उस यज्ञ में सबने ही सम्मान किया, किंतु जमाता शिव ने उनकी और न बिल्कुल ध्यान दिया। दक्ष ने तोड़ी क्रोध में आकर मर्यादा सीमाएं। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, त्रिपुंडधारी अमंगलहारी बाबा भोलेनाथ की ये लीला ही थी जो उन्होंने प्रयागराज में यज्ञ का आयोजन करवाया और सभी देवी देवताओं के साथ राजा दक्ष को भी सम्मिलित किया। सभी ऋषि मुनि देवी देवताओं ने दक्ष का सम्मान किया, परंतु शिव शंकर ने जानबूझकर अपने श्वशुर का अभिवादन तो दूर उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। और फिर वही हुआ जो शिवजी ने पहले से ही रचा हुआ था। राजा दक्ष ने क्रोध में आकर शिवजी को तरह तरह के अपशब्द कहे और उनसे अपने सभी लौकिक संबंध तोड़ दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त ऋषि मुनि देवी देवता आमंत्रित थे, परंतु भोलेनाथ शिव और सती को निमंत्रण तक नहीं दिया गया था। यह जानकर सती दुखी हुई और शिवजी से इसका कारण पूछा तो भगवान भोले शंकर ये बोले, देवी तुम्हारे पिता के मन में मेरे लिए है द्वेष जगे, इसीलिए तो महायज्ञ में हमें नहीं है बुलाया प्रिय। सती ये बोली, मैं जाऊंगी आज्ञा दे मुझे जाने की। शिव ये बोले, बिना निमंत्रण वहां पे जाना ठीक नहीं, त्रियाहट नहीं समझा कोई भी, लाख प्रभु समझाए। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, त्रियाहट के वश सती ने शिव की बात नहीं मानी और पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जा पहुंची। वहां क्या देखती हैं कि देवलोक के सभी देवी देवता ऋषि मुनि वहां उपस्थित हैं, परंतु भगवान भोले शंकर का स्थान तक नहीं रखा गया। इस पर सती अपने पिता से बोली कि क्या कारण है जो आपने मेरे पति शिव को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। इस पर दक्ष ने क्रोधित होकर कहा कि तेरा पति शमशानवासी भस्मीधारी भांग धतूरे का सेवन करने वाला लंपट कपटी और बहरूपिया है, उस डमरूधारी भिखारी से मेरा कोई संबंध नहीं है और तू भी इस समय यहां से चली जा, क्योंकि शिव के साथ साथ मैंने तेरे साथ भी अपने सारे संबंध खत्म कर दिए। पति निंदा से सती के मन में क्रोध की ज्वाला भभक उठी, उसी समय वो सुध बुध खोके अग्नि कुंड में कूद पड़ी। यज्ञशाला में घटी ये घटना, गणों से शिव जब जान गए,
रौद्र रूप में तब शिव शंकर तांडव भक्तों करने लगे। नब जल थल में हुआ था कंपन, ठहर गई थी हवाएं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, सदाशिव भोलेनाथ ने क्रोध में आकर तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। आकाश पाताल मृत्यु लोक में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने मन में सोचा कि यदि शिव की क्रोधाग्नि को शांत न किया गया तो सृष्टि का विनाश सुनिश्चित है। इसीलिए उन्होंने सती के अधजले शरीर के अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती का शरीर 51 भागों में खंडित होकर धरा पर गिर पड़ा। भक्तों, वे 51 स्थान आज शक्ति पीठ के रूप में जाने जाते हैं। इस पर भगवान भोले शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़ी और शिला पर दे मारी। शिला के दो खंडों से वीरभद्र और महाकाली उत्पन्न हुए। शिव ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ और दक्ष का यज्ञ भंग कर दो। महाकाली और वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया। यज्ञशाला को जाति दिशा में दोनों ने प्रस्थान किया। वीरभद्र ने दक्ष गणों से बड़ा भयंकर युद्ध किया। यज्ञ को भंग किया, फिर उसने दक्ष के शीश को काट दिया। दक्ष के राज्य में फिर तो जैसे टूट पड़ी विपदाएं। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, इस तरह नीलकंठ भोले सदाशिव ने दक्ष के झूठे दंभ, अहंकार, क्रोध और प्रतिशोध की भावना को उसके शरीर के साथ ही भस्म कर दिया। भक्तों, सभी देवी देवता कैलाश पर्वत पर आ गए और क्रोधित शिवजी से विनती करते हुए कहने लगे कि हे दया के सागर, हमने दक्ष के यज्ञ स्थल पर आपकी निंदा सुनी है। दक्ष का तो सर्वनाश हो ही गया, परंतु हम सब भी नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए दया निधान, दया करके हम सभी को और साथ साथ दक्ष को भी क्षमादान दे दीजिए। भक्तों, शिव ने जब सबकी प्रार्थना सुनी तो सबका सम्मान करते हुए चंद्रमौली भगवान ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवन दान दे दिया। दक्ष ने शिव के चरण में झुककर कोटि कोटि प्रणाम किया और शिव जी की कृपा से ही अपने यज्ञ को सफल बनाया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। धरती अंबर दसों दिशाएं शिव विवाह के कथा सुनाए।
धरती अंबर दसों दिशाएं शिव विवाह की कथा सुनाए, वन मधुबन ये वृक्ष लताएं शिव विवाह की कथा सुनाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग में समस्त कार्य त्याग कर इधर उधर भ्रमण करना आरंभ कर दिए, और उधर महापापी दैत्य ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उनसे दो वरदान प्राप्त कर लिए। पहला तो ये कि संसार में मुझसा बलशाली और कोई न हो, और दूजा ये कि मेरी मृत्यु मात्र शिव पुत्र के हाथों ही हो। ताड़कासुर ये बात अच्छी तरह जानता था कि भगवान भोलेनाथ पूरी तरह वैरागी बन चुके हैं और पत्नी विहीन है, इसलिए उनका पुत्र तो हो ही नहीं सकता। अपने को अमर जानकर उसने तीनों लोकों का स्वामी बनना तय किया। युद्ध करते करते सारी सृष्टि पर कब्जा कर लिया, और कुछ समय पश्चात स्वर्ग पर हमला करके देवराज इंद्र को और समस्त देवी देवताओं को स्वर्ग से विहीन कर दिया। इस पर सभी देवी देवता पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना को मनाने चले गए कि वे शिव आराधना करके शिव जी को प्रसन्न करें, ताकि उनकी कृपा से आदिशक्ति एक बार फिर उनके घर में कन्या रूप में अवतरित हों और उचित समय आने पर शिव जी की अर्धांगिनी बने, ताकि उनके द्वारा उत्पन्न पुत्र दैत्यराज ताड़कासुर को मार सके। पत्नी संग में राजा हिमालय जप तप संध्या करने लगे, मन वांछित फल पाने को वो शिव की आराधना करने लगे। उधर सभी देवों ने मिलकर शक्ति से ये विनती की, मैना गर्भ से कन्या बन के आप जन्म ले जग जननी, फिर शिव जी की पत्नी बन के सबके कष्ट मिटाए। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्त जनों, देवों के आग्रह पर पर्वतराज हिमालय पत्नी सहित शिव जी की आराधना करने लगे। उसके बाद देवताओं ने भी आदि शक्ति की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि हे माता जगजननी, आप लोक कल्याण हेतु एक बार फिर से कन्या रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ अवतरित हों और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर तीनों लोगों का उद्धार करें। भक्तों, महेश्वरी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा, और फिर वो शुभ समय आ ही गया। हिमालय राज के बड़े पुत्र मैनाक के जन्म के पश्चात देवताओं को दिए वचन को निभाने हेतु जगजननी कल्याणी ने मैना के गर्भ से कन्या रूप में जन्म लिया। फिर एक शुभ दिन सब देवों की शक्ति ने उपकार किया, मैना और गिरिराज के घर में गिरिजा ने अवतार लिया। सृष्टि के होठों पे आया खुशी की लय में मंगल गान, दैत्यों के आतंक से मेरा हो जाएगा अब कल्याण, हो जाएगी अब तो सुरक्षित जप तप की विद्याएं। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय,
हर हर भोले नमः शिवाय। भक्त जनों, शिवा के अवतार लेने पर पूरी सृष्टि मंगल गान करने लगी। उसे विश्वास हो गया कि अब दैत्यराज ताड़ का सुर के आतंक से उसको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। एक दिन हिमालय राज के यहाँ देव ऋषि नारद पधारे और पार्वती की भाग्य रेखाएं देखकर ये कहने लगे कि हे पर्वतराज, आपकी पुत्री अत्यंत भाग्यशाली है, इसे घनघोर तप करना होगा ताकि इसे पति रूप में शिव जी की प्राप्ति हो सके। बचपन से ही गिरिजा देवी शिव के ध्यान में रहती थी, शिव स्वरूप के लेके खिलौने हर पल खेला करती थी। शिव शिव कहती आठ पहर वो शिव का पूजन करती थी। ओके शिव मैं हर एक कण में शिव का दर्शन करती थी। युवा हुई तो लगा उसे यूं शिव उस पास बुलाए। जटा धरा शिव जटा धरा हर हर भोले नमः शिवा। जटा धरा शिव जटा धरा हर हर भोले नमः शिवा। भक्तों, ठीक उसी समय त्रिपुरारी भोले शंकर तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर आए, जहां पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिरकर बह रही थी। उस स्थान को तप योग्य समझकर भोलेनाथ शिव ने वहीं पर डेरा डाल दिया। ये शुभ समाचार जब हिमालय राज को मिला तो वो पुत्री समेत शिव जी के दर्शनों को वहां पर आया। शिव जी को प्रणाम करके बड़ी आत्मीयता से बोला, हे प्रभु, आप इस हिमालय में कहीं भी तपस्या करने हेतु स्वतंत्र हैं, साथ ही मेरा यह अनुरोध है कि मेरी पुत्री पार्वती आपकी निश्चिन सेविका के रूप में सेवा करती रहे, इसलिए इसे अपनी सेवा में रख लीजिए प्रभु। पर्वतराज की बात सुनकर भोलेनाथ ने पार्वती की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, पर्वतराज, आपकी पुत्री बड़ी सुंदर है और सुंदर स्त्रियां तप में बाधा बनती हैं, इसलिए मैं इसे अपनी सेवा में नहीं रख सकता। ये सुनते ही पार्वती विनम्र स्वर में बोली, हे सदाशिव, मैं प्रकृति हूं और आप पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है, इसलिए मेरे बिना आपका कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। पार्वती के वचन सुनकर सदाशिव ने पार्वती को अपनी सेवा में रख लिया। इस तरह पार्वती निश्चिंत शिव जी की सेवा करने लगी। ब्रह्मदेव ने कामदेव को बुलवा कर ये आज्ञा दी, काम वासना मन में जगा के करो तपस्या भंग शिव की। कामदेव तब संग रति के काम की क्रीड़ा करने लगा, क्रोध में खोला नेत्र तीसरा शिव ने काम को भस्म किया। खोके पति को रति की आंखों में आंसू भर आए। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवा। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवा। भक्तों, ये भी भोले सदाशिव की ही लीला थी, जो ब्रह्मदेव ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने हेतु भेजा था। कामदेव ने रति के संग शिव की तपोस्थली में काम की माया बिखेरने की कोशिश की। जब सफलता प्राप्त न हुई तो उसने भोलेनाथ पर अपना काम बाण ही चला दिया। भक्तों, काम बाण के लगने से शिव की तंद्रा भंग हो गई और क्रोध में उनका तीजा नेत्र खुल गया। उसमें से प्रचंड अग्नि निकली
जिसमें भस्म होकर कामदेव भस्मीभूत हो गया। कामदेव को भस्म करने के पश्चात भी शिव जी के तीजे नेत्र से निकलती क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। इस पर ब्रह्मा जी ने उस क्रोधाग्नि को पकड़कर समुद्र में डुबो दिया। प्रिय भक्तों, इसके पश्चात शिव जी खिन्न होकर उस जगह को छोड़कर चल दिए। उनके जाने के बाद पार्वती का क्या हाल हुआ? शिव जो गए तो शिवा का मन यूं फिर अग्नि में जलने लगा। हुए उपस्थित वहां पे नारद, सधे हुए शब्दों में कहा, देवी यूं आंसू न बहाओ, मन में अपने धीर धरो। शिव की ही इच्छा है कि तुम फिर से शिव की तपस्या करो, शिव तो तुम्हारे होके रहेंगे विधना लेख बताए। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, देव ऋषि नारद के कहने पर पार्वती ने शिव को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या की कि समस्त देवी देवता त्राही त्राही कर उठे। और जब उनसे न रहा गया तो सब भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे दुग्भंजन, हे सदाशिव भोलेनाथ, पार्वती के तप से तीनों लोग जल रहे हैं, सब जीव जंतु दुखी हैं, अतः आप उन्हें दर्शन देकर उनसे विवाह करें और हमारे कष्टों का निवारण भी करें। प्रभु, दैत्यराज तारकासुर स्वर्ग का अधिपति बन बैठा है और उसने हम सभी को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। ब्रह्मा जी के वरदान के स्वरूप उसका अंत आपके पुत्र द्वारा ही हो सकता है, इसलिए आप लोक कल्याण में पार्वती से विवाह करें। भक्तों, इस पर भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, मैं सहदेव भक्तों के अधीन हूं, अतः आप सबको तारकासुर से मुक्ति प्रदान करने हेतु मैं पार्वती से विवाह अवश्य करूंगा। भक्तों, देवगण तो शिव से आश्वासन पाकर वहां से चले गए, परंतु सदाशिव ने सोचा, क्यों ना हिमालय राज और मैना की परीक्षा ली जाए। शिव ने नटका रूप धरा, गिरिराज के सन्मुख प्रकट हुए। बाजा बजा बजा के डमरू अद्भुत नृत्य वो करने लगे। साधु भेष में ना पहचाना उनको मैना रानी ने। शिव के विषय में उनसे कहा कुछ ऐसा औघड़ दानी ने, सुन मैना के मस्तक उभरी चिंता की रेखाएं। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भोलेनाथ ने एक नट का रूप धारण किया और गिरिराज के सम्मुख जा पहुंचे। फिर नट रूपी भोलेनाथ मैना रानी के पास गए और बोले, सुना है कि तुमने अपनी कन्या का विवाह एक निराश्रित कुलहीन भस्मीभूतधारी बैल की सवारी करने वाले बूढ़े औघड़ योगी शिव से करना तय किया है। शिव के संबंध में ऐसे वचन सुनकर मैना रानी अचेत हो गई और जब वो होश में आई तो सबने उन्हें ये समझाया। जिनको तुम निशुक समझी वो तीन लोक के स्वामी हैं, पार ब्रह्म है नाग ब्रह्म है अक्षय अंतर्यामी हैं। सूर्य चंद्र में तेज है उनसे, वायु के हैं श्वास वही, महाकाल के काल भी वो हैं, जीवन के विश्वास वही,
गायन वादन नृत्य है जीवित उनसे सभी कलाएं। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने गिरिराज और मैना को समझाया कि आपने शिव को पहचाना नहीं, अन्यथा वे तो साक्षात पर ब्रह्म हैं, उनका सन्यासी रूप तो मात्र त्याग की भावना को उजागर करता है, क्योंकि उन्हीं के निमित्त ताड़ का सुर का वध होना है, अतः हमारे कल्याण हेतु वे तुम्हारी पुत्री से विवाह करने हेतु तैयार हुए हैं। यह सुनकर हिमालय और मैना का संशय जाता रहा और वे पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को तैयार हो गए। उन्होंने शीघ्र ही लगन पत्रिका बनवाकर शिव के पास भेज दी। विश्वकर्मा द्वारा एक सुंदर मंडप बनवाया जिसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर दी गईं। सभी को विवाह का निमंत्रण भेज दिया गया और उधर कैलाश पर स्वर्ग अप्सराओं ने आके शिव जी का श्रृंगार किया। नेत्र तीसरा मुकुट बना और चंद्र कला का तिलक लगा। भूत पिशाच थे बने बराती शिव जी बैलस वार हुए। मेघों ने मृदंग बजाया प्रेत दुंग भी बजाने लगे। शिवगण के संग नाचे चुड़ैले मंगल गान सुनाए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, भगवान शिव की जब ये अनोखी बारात चली तो चारों ओर ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, पूरा वातावरण मंगलमय हो उठा। जब बारात हिमालय राज के महल पहुंची तो मैना रानी उत्सुकतावश भगवान शिव को दूल्हे के रूप में देखने हेतु दौड़ी चली आई। मैना ने जब देखा कि बारात भूत प्रेतों से सुसज्जित है तो देखती रह गई। कोई कटे सिर वाला था, किसी का सिर पेट पर लगा हुआ था, किसी के हाथ नहीं तो किसी के पांव नहीं थे, कोई उल्टे पैरों वाला था और उनके बीच रौद्र रूप में दूल्हा बने भगवान शिव खड़े थे। मैना ने देखा कि शिव जी के पांच मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, तन पर भस्म लगी हुई है। बाघंबर ओढ़े शिव अत्यंत विकराल नजर आ रहे थे। तब मैना ने विलाप करते हुए अपनी पुत्री का विवाह ऐसे औघड़ योगी से ना करने का निश्चय कर लिया। ऋषि मुनियों ने जब शिव से करबद्ध होकर प्रार्थना की तो शिव ने अपना औघड़ रूप हटा लिया और वापस अपने सुंदर सुसज्जित रूप में आ गए। शिव का सुंदर रूप जो देखा होके चकित रह गई मैना। हो गई हर्षित पलक झपकना भूल गए उसके नैना। वृषभ सवार थे भोले शंकर तन पे आभूषण सुंदर। शिव चरणों में आठों सिद्धियां होती थी दृष्टि गोचर। माया ठगनी नतमस्तक थी शिव के दाएं बाएं। गंगा धराय शिव गंगा धराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा धराय शिव गंगा धराय हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, भगवान शिव के मनमोहक रूप को देखकर मैना अत्यंत प्रभावित हुई। विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित जब पार्वती विवाह मंडप की ओर बढ़ी तो शिव ने पार्वती को देखा और उन्हें दक्ष कन्या सती की याद आ गई। शिव और पार्वती विवाह मंडप में बैठे तो हिमालय राज बोले, हे प्रभु, आप अपने कुल का नाम
और गोत्र बताएं ताकि ब्राह्मण जन अपना संकल्प पढ़ सके। यह सुनकर देव ऋषि नारद बोल उठे, हे राजन, इनके कुल और गोत्र के विषय में तो स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी नहीं जानते। ये अजन्म, अजर, अमर, अनादि और अनंत हैं। हे हिमालय राज, शिव ही एकमात्र सत्य हैं। इनका कोई रूप स्वरूप कुल व गोत्र नहीं है, ये तो स्वयंभू हैं। यह सुनकर हिमालय राज की शंका का निवारण हो गया और इसके साथ ही विवाह का शुभ आरंभ हो गया। ब्रह्मा मंगलाचार सुनाते, विष्णु जी हर्षाते थे। देख ये शिव की लीला, नारद वीणा मधुर बजाते थे। रीति नीति और हर विधि से पूरा मंगलाचार हुआ। मैना संग में गिरिराज ने शिव को कन्या दान दिया। हुआ मिलन शिव और शक्ति का, हुई पूर्ण इच्छाएं। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, जब शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, ठीक उसी समय कामदेव की स्त्री रति विलाप करती हुई वहां पर आ पहुंची। रोते हुए कातर स्वर में देवादिदेव भोले से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, कामदेव की भूल को क्षमा कर दीजिए, उसे अपने अपराध का दंड मिल चुका है। बिना काम के रति अधूरी है, यदि आपने उन्हें जीवन दान नहीं दिया तो मैं भी यही रो रो कर अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। भक्तों, रति की ये करुण पुकार सुनके भोलेनाथ का हृदय पसीज गया। वे सोचने लगे कि सृष्टि में प्रजनन की क्रिया को जीवित रखने के लिए कामदेव को जीवन दान देना अति आवश्यक है। इसलिए भोलेनाथ ने पोटली में बंद कामदेव की भस्म पर अपनी दया दृष्टि डाली तो कामदेव तुरंत जीवित हो गया। विदा की पावन बेला आई, विचलित हो गई माँ मैना। पुत्र वियोग से गिरिराज संग उसके भर आए नैना। पुत्री पराया धन होती है, मुनियों ने उसे समझाया। बड़ भागी है गिरिजा जिसने शंकर जैसा वर पाया। दो आशीष इन्हें तुम अपना, सृष्टि को आगे बढ़ाए। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भक्तों, इस प्रकार हिमालय राज ने एक सुंदर पालकी में अपने हाथों से पुत्री पार्वती को बिठाया और शिव के संग में विदा कर दिया। पार्वती सहित शिव जी कैलाश आ पहुंचे। फिर एक निश्चित अवधि के पश्चात उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ जिसका पालन कृतिकाओं ने किया और स्वयं मुनि विश्वामित्र ने उसका जात संस्कार किया। भोलेनाथ ने अपने पुत्र को कार्तिकेय नाम दिया और उसे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया। सभी देवों ने भी कार्तिकेय को मन से आशीर्वाद दिया और भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र और विद्याएं प्रदान की। भक्तों, इसी प्रकार से निश्चित समय आने पर शिव पुत्र महाबली कार्तिकेय के हाथों दैत्यराज तारकासुर का अंत हुआ। इंद्र को स्वर्ग का राज्य वापस मिल गया और सारी सृष्टि चैन की सांस लेने लगी। भक्तों, जिस उद्देश्य से शिव और शक्ति का मिलन हुआ था वह उद्देश्य सफल हो गया। शिव विवाह की कथा ये पावन, भक्तों जो भी सुनता है, समझो दुख की गलियों में वो सुख की कलियां चुनता है।
शिव की पूजा अर्चन करके जो शिव नाम को ध्याता है, शिवमय होकर शिव में खोकर वो शिव धाम को जाता है। हो सकारत जीवन उसका, रोग सभी मिट जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शिव के अनंत नामों और रूपों के साथ साथ उनकी अनेक प्रकार की लीलाएं भी हैं। उनका पार तो आज तक कोई नहीं पा सका है। किसी भी प्राणी की वाणी में इतनी शक्ति नहीं है जो शिव जी की लीला का बखान करने का अधिकार कर सके। फिर भी भक्तों, मैंने अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार उस असीम बुद्धि धन वैभव के दाता सर्वेश्वर भोलेनाथ के विवाह की पावन कथाएं सुनाने का प्रयास किया है। यदि मुझसे कोई भूल या त्रुटि रह गई हो तो मुझे अज्ञानी, अबोध और भगवान शिव का एक तुच्छ भक्त जानकर क्षमा प्रदान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। धरती अम्बर दसों दिशाएं शिव विवाह की कथा सुनाए। धरती अम्बर दसों दिशाएं शिव विवाह की कथा सुनाए। वन मधुबन ये वृक्ष लताएं शिव विवाह की कथा सुनाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले।